द न्यू कार, मुबारक हो। थैंक यू। इधर 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 फोटो कर दे कार के साथ। नंबर दो के सर 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 जल्दी आओ। एकदम फाइन फाइन एकदम। एक मिनट, डिक्की में क्या बस कार के साथ भैया वैलिडिटी पता है ना। हाँ। पांडे हाथ, पांडे हाथ, क्या बात है। बैठ जाओ सेपाली जी आप। अरे आज ये कार ही चलेगा इंस्टाग्राम पे। कार नामा। सर ये कभी लिया आप, दिखी नहीं। दिवाली गिफ्ट। ओहो, अच्छा सर ने आपको किया कि आपने सर। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हां भाई मैं काम कर रहा हूं। ले भाई यार, छोड़ो तू, ये क्या बन गया यार। तो मस्त लग रहा है यार। पांडे बदल गए ड्रेसिंग सेंस में। पांडे जी टोटल बदल गए। पांडे जी स्टार बन गए अभी। अभी पांडे जी नहीं रहे हैं, ये पांडा जी। मुझे भी फोटो लेना है। पांडा पांडा हो गया। पांडा आप साथ में विदाउट कार आप कहां मजा आएगा। क्या पहनने लगा तू आजकल? अच्छा है ना, मस्त लग रहा है। मेरे को आँख में ना डबल चश्मा लगेगा तेरा, इतना ब्रांड है। दूर से तो डबल बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मज़ेदार गेम्स हैं और ऐसे गेम्स मतलब हम टीवी पे देखते थे अब्रॉड में, बड़े शोज़ पे बचपन में, और ऐसा मैं होप करती थी कि वाओ काश मुझे ऐसे गेम्स खेलने का मौका मिले, और अब मौका मिल गया। बहुत ही मज़ेदार गेम्स हैं, लैविश सेट है, और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, और भारती और हर्ष हमारे दोस्त हैं तो साथ में मिलके काम करने का बहुत मज़ा आ रहा है। वेल शो तो स्पेशल है ही, लेकिन आज इस एपिसोड की स्पेशल बात यह है कि पराग और शिपाली दोनों एक yes, और ये काफ़ी रेयर ही केस में होता है, तो आप बताइए मुझे कि कितना मज़ा आया पराग के साथ शूट। देखिए अभी तक तो मेरे गेम अलग हुए हैं, पराग के गेम अलग हुए हैं, मगर मैंने भारती के साथ अंडर द टेबल ना एक अग्रीमेंट कर दिया है कि पराग और मुझे सामने सामने कर दे और मुझे जिता दे, मैं 50% विनिंग प्राइज उनको दे दूँगी। पर मज़ा आएगा, अभी तक तो आई एम वेटिंग। अभी तो जो शुरू हुआ है, अब शायद नेक्स्ट दौर में मेरा और पराग का कुछ साथ। अभी तक हमने जितने भी एक्टर्स को देखा है गेम खेलकर सब भीग भीग के बाहर आए थे। आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट है जिनको हमने कलरफुल और रंग रंग भरे मतलब इस साल होली जल्दी आ गई मेरे लिए तो, मगर बहुत मतलब आँख नाक कान कहाँ कहाँ कलर गया, आप इनको पूछो भी मत, पर बहुत बहुत मजा आया। मतलब क्या था एक्चुअली? आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट टेल यू, बट इट वाज अ सुपर फन गेम। कितने गेम खेले और अभी तक? मैंने एक गेम खेला है, अब मैं दूसरे गेम के लिए तैयार होके आई हूँ, तो लेट्स सी। ओके, जीती आप एक भी गेम? ऑफ कोर्स, पहला गेम मैं ही जीती। ओह वाओ, तब तो फिर प्राइस मनी भी आप अपने साथ लेकर $1,000। ओके, बिसाइड्स दैट कुछ अपकमिंग है शिपाली आपके साइड? यस, लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली। क्लास ऑफ 2020 सीजन फिनाले रिलीज होने वाला है अगले महीने, आई थिंक दिसंबर में। रात्रि के आत्री पार्ट 2 आएगा हंगामा प्ले पर। फ्राइडे फिल्म वर्क्स के साथ एक फिल्म भी की है, गाना भी किया है, तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ काम ही काम कर रही हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को पसंद आएगा। वेल जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि इतना सारा प्यार जो मिलता है आपको। सो बिसाइड्स दैट शिपाली बताए बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है? फॉलो तो आप कर ही रही है? नहीं, इस साल एक्चुअली इतना आई बीन बिजी विद वर्क विच इज़ अ गुड थिंग, बट बीच बीच में मैं देख लेती हूँ। इनिशियली मैंने फॉलो किया था और बहुत ही मुझे कॉम्पिटिटिव लगे थे सारे, बट कल के एपिसोड में मैं थोड़ा मतलब बोर हो गई, तो लेट्स सी। ऐसा होता है ना, ग्राफ होता है बिग बॉस का,
तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले हफ्ते में अभी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स भी आएंगे, तो बहुत डायनामिक्स चेंज होती है, बहुत उथल पुथल होती है बिग बॉस के गेम में, तो आने वाले वक्त में बहुत मजा आएगा। वेल, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की बात की है तो राकेश बाबर के अंदर घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जाने की बात की जा रही है और वो जा सकते हैं। आई होप वो जाए बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी नाइस, ऑलवेज नाइस टू सी अ लव स्टोरी इन द बिग बॉस हाउस एंड शमिता एंड राकेश लुक वेरी गुड टुगेदर एंड शमिता इज playing very well and उनका moral support बन के अगर राकेश जाए and they can really compliment each other and it'll be fun to watch. But राकेश के घर के अंदर जाने से शमिता के गेम में कितना फर्क आएगा आपको? I don't know क्योंकि मैंने OTT follow नहीं किया है, मगर दिल को बहुत सुकून मिलेगा ये मैं जानती हूँ। दिवाली के क्या plans हैं? दिवाली के बस यही plans हैं, low key है हर साल last year की तरह, but definitely enthusiasm में कोई कमी नहीं है, no dieting, nothing. पटाखे तो हम वैसे ही नहीं फोड़ते हैं, घर को सजाएंगे, फैमिली घर पे आएगी, अलग अलग किस्म के पकवान बनेंगे, मिठाई बनेगी, ट्रेडिशन पूजा होगी, हम पूरी ट्रेडिशन से दिवाली मनाते हैं हर साल। वैसे ही दिवाली विश करते हैं टू ऑल दी ऑडियंसेस आउट देयर, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेपाली जी